सीआईडी वाले नहीं सुधरेंगे। नीचे भी नहीं है, गए तो गए कहाँ? क्या हुआ सर? हिलना नहीं। सबको उठाओ, अगर कोई जिंदा है तो हॉस्पिटल भेजो, ले जाओ सबको, उठाओ उठाओ। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे चलो जल्दी, जल्दी आ। क्या? अभिजीत, कुछ नहीं होगा। अभिजीत, सर। बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलो। अरे जल्दी करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उठा। जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। अभिजीत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गोली अभिजीत के दिल में तो नहीं लगी ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ये अभी तक जिंदा नहीं थे।
चलो जल्दी ऑपरेशन करने में ले जाओ। चलो कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जी सर, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए अभिजीत को, बस। अभिजीत की जिंदगी आपके हाथ में। देखिए अगर ऊपर वाले चाहो तो नहीं कुछ ना अभिजीत ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? उसे उसे गोली लगी, ऑपरेशन के लिए कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। सब तैयारियां हो गई, ऑपरेशन शुरू करते हैं। यस सर। एनेस्थीसिया दे दिया? नहीं सर, अभी तक नशे का इंजेक्शन नहीं दिया। अरे जल्दी से डॉक्टर मनोज को बुला के लाइए। जी सर। हम और सर्जरी में देर नहीं कर सकते, नशे की दवाई मैं दे दूंगा। जी श्योर। ब्लड आ गया? चेक करती हूँ सर। प्लीज जल्दी करिए। जी। गोली तो मैंने निकाल दी है, गोली इनके दिल के बहुत करीब लगी थी, ये बहुत लकी है कि ये बच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे अभिजीत होश में कब आएगा डॉक्टर साहब? सर इस सवाल का जवाब देना तो जरा मुश्किल है। होश आ जाए तो एक दो घंटे में भी आ सकता है, और अगर नहीं आए तो कह नहीं सकते कितना वक्त लग जाए। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर ये मिस्टर अभिजीत कोमा में चले गए। कोमा में? अभिजीत कोमा में? सर मतलब होश इन्हें 15-20 दिन में भी आ सकता है, या हो सकता है कि 6 महीने लग जाए। 6 महीने? 6 महीने? ये क्या बकवास कर रहे डॉक्टर साहब? सर मैं तो वही कह रहा हूं जो सच है। डॉक्टर क्या हम यहां रुक सकते हैं? जी रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोई एक। ठीक है तारिका, तुम रुक जाओ इधर। तो फिर आप बाकी सब लोग प्लीज। थैंक यू। चलो सीआईडी वाले थे क्या? क्यों, क्या हुआ? उनका ये जो ऑफिसर है ना, उसे गोली लगी थी, अब वो कोमा में है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर सुनील इसी के बारे में शायद बात कर रहे थे कि अब ये कोमा से वापस नहीं आ सकता। ठीक कहा तुमने, अब हमें इन दो मरीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक वो जिसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जमकर बैठा है, और दूसरा ये सीआईडी ऑफिसर। डॉक्टर
दिखा दें। सर जैसे आपने कहा वैसे सब जगह कैमरा फिट कर दिए सर। बहुत अच्छा काम किया गया, अच्छा कवरेज है, गुड। सर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है सर कि कोई अभिजीत को मारना क्यों चाहता है? दे अभिजीत को कोई मारना नहीं चाहता, मारना चाहता है तो किसी और को। किसी और को क्या मतलब सर? आई एम सॉरी दया, लेकिन एक बात है जो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं। कौन सी बात सर? दया अभिजीत अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, मगर उसका कोमा में रहना ये एक प्लान है। प्लान? डॉक्टर सुनील, आपकी बीवी और बच्चों को कुछ नहीं होगा। आप उन्हें बचा सकते हैं। पूरी सीआईडी टीम आपके साथ है। लेकिन आपने मेरी मदद करने के लिए गोली खाई, आपकी जान भी जा सकती थी। किसी की जान बचाने के लिए जान चली भी जाए, सीआईडी इसमें कभी पीछे नहीं हटती। ऑपरेशन के बाद मैं कोमा में चला जाऊंगा। आई मीन मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मैं कोमा में चला गया हूं, और आप भी सब लोगों को बोलना कि ऑपरेशन के बाद अभिजीत कोमा में चला गया है। सर ये बात आप हमें पहले ही बता सकते थे। आप नहीं जानते सर कि हम लोगों के ऊपर क्या क्या बीती है सर। I'm sorry दया, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन सर ये प्लान क्या है सर? अभिजीत के बगल वाले बेड पे एक मरीज है, हाँ? एक बहुत बड़ा गवाह है एक बिजनेसमैन के खिलाफ। उसने डॉक्टर सुनील के परिवार को किडनैप किया है, और ये मरीज कोर्ट में जाकर इस बिजनेसमैन के खिलाफ गवाही देने वाला है। कौन है सर ये बिजनेसमैन? मिस्टर संतुरे। और वो चाहता है कि ये गवाह किसी तरह से मर जाए। एग्जैक्टली, और अगले दो घंटे में इस मरीज का ऑपरेशन है, लेकिन इस संतुरे ने डॉक्टर सुनील को धमकी दी है कि ऑपरेशन टेबल पे अगर उसने इस मरीज को, इस गवाह को नहीं मारा तो वो उसके फैमिली को खत्म कर देगा। तो देर किस बात की सर, चल के अरेस्ट कर लेते हैं इन लोगों को। नहीं दया, उस संतुरे का खबरी है हॉस्पिटल में जो हर बात की खबर देता है उसे, और अगर उन्हें पता चला कि हम लोग आ गए तो वो खत्म कर देगा डॉक्टर सुनील के परिवार को। और अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, ये तो वो लोग जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन वो लोग सोचेंगे कि अभिजीत कोमा में है तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, और इसीलिए मैंने डॉक्टर तारिका को वहां पर रुका दिया है। डॉक्टर तारिका को तो कोई पहचानता नहीं कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। मतलब सर सबसे पहले हमें उस खबरी को ढूंढना होगा जो हॉस्पिटल में है, और उसी से पता चलेगा कि डॉक्टर सुनील का परिवार कहां पे है। बिल्कुल, ढूंढ के निकालो उसे। यस सर। मनोज सुनो, ये जो पेशेंट है अभिजीत, इस पर भी नजर रखना जी। इनके हालात में कुछ भी बदलाव होगा तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। यस सर। ओके, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में ऑपरेशन की तैयारी करके। डॉक्टर 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 प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए ना, अभिजीत ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए हमें लगता है कि ये जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे, आप घबराइए मत। आप भी बिल्कुल मत घबराइए, सीआईडी जरूर आपके परिवार वालों को ढूंढ देगी। देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर सुनील यहाँ के नंबर वन डॉक्टर है, कुछ नहीं होगा इन्हें, ही विल बी ऑलराइट। जी चलिए जरा बाहर बैठिए, मैंने ग्लूकोज की बॉटल चेंज करनी है। जी मैम, ये कुछ दवाइयाँ लेके आनी पड़ेंगी मेडिकल से, जाके लेके आओ। जी।
इन लोगों ने डॉक्टर सुनील के परिवार का अपहरण करवाया है। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? सर, इन्हें हम लोग अभी पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? इन्हें पकड़ के दया सर के सामने खड़ा कर दो। सब बोल देंगे। थोड़ी जल्दबाजी में अगर हमने इन्हें कुछ किया नहीं तो इस बात का डर लगा ही रहेगा कि डॉक्टर सुनील के परिवार वालों की जान जा सकती है। डॉक्टर सुनील के परिवार को बचाने के चक्कर में अभिजीत सर को गोली लगी है, उसका क्या? खड़ी, ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन हम सही समय का इंतजार करें। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर अभिजीत सर कोमा में है तो वो हमें मैसेज कैसे भेज सकते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? खड़ी, इसीलिए डॉक्टर तारिका अभिजीत सर के साथ हॉस्पिटल में, और जब अभिजीत सर को मैसेज देना चाहेंगे तो वो अपनी कॉल के दो बार चेक करेंगे। डॉक्टर तारिका समझ जाएंगे कि अभिजीत सर कुछ कहना चाहते हैं। नर्स, आप ये दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी, ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए, कोई और जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। जी। माफ करना नर्स, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि मेरी आवाज तो सुन ही लेंगे ना। देखो, अच्छा चल ठीक है, कर सकती हूँ, लेकिन जरा आराम से। जी। उम्मीद है अभिजीत, तुम मेरी आवाज जरूर सुन सकते हो, है ना? आपकी नर्स बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखती है अभिजीत, तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ पे सोते रहोगे? सब लोग तुम्हारा कितना इंतजार करे अभिजीत, जल्दी उठो प्लीज, जल्दी उठो। ठीक होने में चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नर्स, गोल्ड, सोना, वॉच, इसका मतलब कोई ये तो नहीं अभिजीत मुझे किसी नर्स के बारे में बताना चाहता है जिसने शायद सोने की घड़ी पहनी? शायद हो सकता है। Thank you.
अरे निलेश जी मैडम, ये 5 नंबर के पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट आ गई। जी मैडम, वो मैंने शीतल मैडम को दे दी है। अच्छा, तो शीतल है वहाँ पे? जी ठीक है, तुम जाओ। जी डॉक्टर तारिका, बोलो क्या बात है? अभी एक नर्स यहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकली है। अच्छा, नर्स है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, और एक बात, उसने हाथ में सोने की घड़ी पहनी हुई है। सोने की घड़ी पहन रखी है? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ 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 हाँ, दिख रही है। हाँ, अभी भी बाहर निकली है, सड़क की तरफ आ रही है। देखता हूँ कहाँ जाती है। ओके या होशियार, फोन करने के बाद कोई और नंबर डायल कर दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि फोन किसको किया है। विवेक, जरा आपका पीछा करो, देखो कहां जाती है वो। ठीक है, भाई साहब जरा इस पीसीओ का नंबर देना। फोन आने का भी 2 रुपया लगेगा। 2 रुपए ही दूंगा, बताओ। और किसी लड़की को फोन नंबर नहीं देना, बार बार फोन करके, नहीं तो इधर परेशान करेगी। जितना तुमसे कहा गया उतना ही करो, नंबर दो यहाँ का। अरे इतना अकड़ के क्यों बात कर रहा है? इतना अकड़ने का नहीं, समझा क्या? तुम है कौन? CID। नंबर बताओ। अभी बताते साहब, 1393335। हेलो टेलीफोन एक्सचेंज, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। निरंजन नगर अंधेरी वेस्ट में ये PCO का नंबर है 1393335। हाँ, यहाँ से एक फोन कॉल किया गया था अभी। हाँ, हमें ये पता करना है कि फोन कॉल किसे किया गया था। जी हाँ, और ये भी बताना कि वो नंबर कहाँ पे है इस वक्त। हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। देखिए मामला जरा जरा सीरियस है। हाँ हाँ, ओके ओके, जल्दी करना। हाँ हेलो, हाँ हाँ, क्या ग्रोसरी शॉप है? यही है वो ग्रोसरी शॉप जहां पे उस नर्स ने फोन किया था।
सुनिए। हाँ जी कहिए। हम लोग CID से हैं, एक केस की तहकीकात कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछने हैं। कहिए। अभी अभी 15 मिनट पहले एक औरत ने यहाँ पे फोन किया था, जिसने 10 सेकंड तक फोन पे बात की थी। फोन किसने लिया और बात क्या हुई? देखिए ज्यादा सारे फोन यहाँ मैं ही उठाता हूँ। तो फोन आपने ही लिया था? जी नहीं, मैंने वो फोन नहीं लिया। मामला जरा सीरियस है, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुझे यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, समझा? अब सच सच बता, चक्कर क्या है? हाँ याद कर, किसका फोन आया था जो सिर्फ 10 सेकंड तक बात हुई थी? हाँ एक फोन आया था। ग्रेट, अब ये बताओ कि फोन पे क्या बात किया था? बात कुछ भी नहीं हुई थी। फिर भाई देख, अभी तक मैं सीधी तरह से बात कर रहा हूँ तुझसे, अच्छा यही होगा कि देखिए साहब मैं सच कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं बोला था, रॉन्ग नंबर था वो, किसी चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रही थी। चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट। तुम्हें ठीक से याद है कि यही पूछ रही थी वो? जी हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने रॉन्ग नंबर भी तो कहा था। फिर क्या, अब उसने फोन काट दिया, तकरीबन 10 सेकंड बात हुई जैसा कि आपने कहा। सर हमें इस चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट को ढूंढना चाहिए, शायद वो अपहरण करने वाला वहीं पर मिल जाए। नहीं ताशा, नहीं, बात कुछ और है। अगर उसे चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट में फोन करना था तो वो दोबारा फोन करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया, उसने बल्कि फोन करने के बाद उल्टे सीधे नंबर डायल किए, मगर उसने दोबारा फोन ट्राई नहीं किया। सर तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये कोई चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई कोड हो सकता है या कोई मैसेज भी हो सकता है। आपने एग्जैक्टली क्या कहा था फोन पे? अब मैंने कहा था कि चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट रॉन्ग नंबर। चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट रॉन्ग नंबर, मतलब जिसको मैसेज मिलना चाहिए था उसे मैसेज मिल गया, मगर कौन हो सकता है वो? वो जो कोई भी है, आपकी दुकान का ही आदमी, और आप ही हो सकते हो। जी आप कैसी बात कर रहे हो आप लोग, मैं कैसे हो सकता हूँ? आपके स्टाफ में से कोई आसपास था जो बात सुन रहा था आपकी, जो अभी यहाँ पर नहीं है? राजू का है सर, वो बोल के गया था कि बाथरूम जाके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं। सर वही होगा, तभी तो गायब है। काफ़ी देर हो चुकी है हम लोग को, हमें जल्द से जल्द पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना चाहिए। हाँ ये सर, शेड्यूल के हिसाब से ऑपरेशन के लिए सिर्फ 25 मिनट बचे। हाँ ठीक है, तुम लोग ऑपरेशन की तैयारी करो। राइट सर। सिस्टर वो वार्ड बॉय से कहिए कि वो स्ट्रेचर लेकर आए। यस सर। जल्दी। सिस्टर कविता वो पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स और पेपर्स लेकर आप ऑपरेशन थिएटर पहुंचाइए। श्योर सर। जल्दी।
देखिए मैं और देर नहीं कर सकता हूँ। सुनील आप चिंता मत करो, ऑपरेशन शुरू कर दो। प्लीज इस पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, बाकी सब CID पे छोड़ दीजिए। मैं अपनी जान लगा लूंगा उस गवाह को बचाने के लिए, लेकिन लेकिन प्लीज मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी डॉक्टर सुनील, आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब CID के ऊपर है, कुछ नहीं होगा उन्हें। राजू तो चुपके से खिसक गया, कहीं ऐसा ना हो कि शहर छोड़ के भाग जाए। कहीं भी छुप जाए वो, उसे खोद के निकालूंगा जमीन से। तो उस नर्स ने मैसेज छोड़ा, उसे मालूम है। हम लोग उस नर्स को क्यों नहीं पकड़ लेते, एक थप्पड़ में सब उगल देगी वो। अभी हम उस नर्स को छेड़ नहीं सकते, अगर हम उसे पकड़ेंगे तो किडनैपर्स डॉक्टर सुनील के परिवार के साथ क्या कर बैठेगी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब तक डॉक्टर सुनील का परिवार इन किडनैपर्स के कब्जे में है, हमें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। सर अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि उन लोगों को पकड़ कर कहां रखा गया। वो तो इस राजू को ही पता होगा, एक बार उसकी गर्दन आ जाए मेरे हाथ में। बोरा बोरा राजू, ए राजू, दो मिनट चुप नहीं रह सकते थे क्या? क्या तुमने, अबे रुक। मैंने तो नाम भी नहीं सुना आज तक, मैंने चाइनीज खाया भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है चाइनीज। अच्छा तो एक काम करते, तुझे जो पसंद है वो खिलाता हूँ, चल। मारना नहीं सर, सर सर एक आदमी आया था, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और उसने कहा कि दुकान पे नजर रखना और खासकर चाइनीज पैलेस और टिम्बकटू पुलिस स्टेशन से कोई फोन आए ना तो हमें जरूर बताना सर। सर ये चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट और टिम्बकटू पुलिस स्टेशन का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है ये भी कोई कोड ही हो। एक बात बता, किस नंबर पे फोन करने के लिए कहा था? सर 0139 139 99392 कहीं वो लोग मेरे बीवी बच्चे को मार तो नहीं देंगे? नहीं नहीं, CID वाले हैं ना, उन्हें बचाने के लिए। डॉक्टर वेणुगोपाल आपकी सर्जरी में मुझे पूरा विश्वास है, वो उन्हें जरूर बचा लेंगे। अब क्या बात है सर, सब ठीक है ना? नहीं मेरा मतलब हाँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। सर आप परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस पेशेंट को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के आओ और फिर ICU में चले जाना, वहाँ पर वो दूसरा पेशेंट है ना मिस्टर अभिजीत, उन पर नजर रख लो प्लीज। जाइए। मोबाइल कंपनी से पता चला है कि यही वो जगह है जहाँ पे वो किडनैपर चुका।
सब लोग अपने अपने गन के साथ तैयार हो जाओ। जरा होशियारी से काम लेना, बिना वजह गोली नहीं चलाना। यहाँ किसी की जान बचाने हैं। सब लोग फैल जाओ। देखो ये कहाँ पे छुप के बैठा है। सब लोग यहाँ पीछे की तरफ आ जाओ। यहाँ पे एक गाला है, उसके बाहर एक आदमी खड़ा है। शायद डॉक्टर सुनील का परिवार यही होना चाहिए। पता नहीं किस हाल में है। जरा संभाल के, सावधान। हेलीकॉप्टर लेके आता हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ, जाओ। दशा, विवेक और काजल को फोन करो, उनसे कहो कि तैयार रहे। यस सर। वो किस लिए सर? फ्रेडी, अंदर घुसने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ। सब कुछ क्लियर दिख रहा है। ग्रेट। ताशा, काजल और विवेक से कह दे कि अपना काम शुरू कर दे। यस सर। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि तुम्हें रास्ता पता है कि नहीं। तुमने कहा रास्ता पता है, ये कहां लेकर आ गए मुझे? देखो, मुझे रास्ता मालूम था। हाँ, तुम्हारी बकबक की वजह से मैं रास्ता भूल गया। चुप रहो। क्या बकवास कर रहे तुम? मैं बकबक करती हूँ? इतनी देर से लगातार जो जबान चल रही है, चबर चबर, वो क्या है? अच्छा, पहले मेरी यही बातें तुम्हें लगता था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, कानों में संगीत सुनाई दे रहा है, और आज भी यही बात क्या हो रहा है? चुपर, चुपर लगती है। कुछ नहीं यार, प्यार में बहुत जल्दी आग लग गई, लगता आखिरी मुलाकात है। मैं सॉरी, गलती से ने बोल दिया। गलती से बोल दिया? तुम चुप रहोगी प्लीज थोड़ी देर के लिए? मैं क्यों चुप रहा हूँ? अपना ड्रामा और बढ़ा दो, बवाल मचा दो वहां पर। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बीवी हूँ तुम्हारी, मैं बीवी, मुझे भी बोलने का हक है, और आज मैं बोल कर रहूंगी। अरे ये तो शादीशुदा है। ये शादी एक गलती है, तुमसे तो अच्छी मोड़ी का थी। काजल बहुत अच्छा किया, एक दो और लगाओ उसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। तुमने फिर से हाथ उठाया ना तो देख लेना। और मार। ओह, थैंक गॉड, डॉक्टर सुनील के परिवार सही सलामत है। से दो लोग हैं अंदर, मतलब कुल मिला के पांच लोग हैं। चलो एक एक को दबोच लेते हैं। सिस्टर, स्कैप। तो
उस दरवाजे पे जो आदमी खड़ा है उसे पहले पकड़ना है हमें। जैसे ही मैं इशारा करूंगा सब लोग एक साथ अटैक करेंगे। डॉक्टर सुनील का परिवार उस कमरे में दाहिने कोने पे है। इज दैट क्लियर? यस सर। हमें इस मिशन को नाकामयाब नहीं होने देना है। अभिजीत ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कदम बढ़ाया है, अपने सीने पे गोली खाई उसने। हर हाल में ये मिशन कामयाब होना चाहिए। मूव। डॉक्टर तारिका को फोन कर देता हूँ, उन्हें बता देते कि हम लोग तैयार हैं अटैक के लिए। डॉक्टर सुनील चिंता ना करें। हाँ दया, अच्छा ग्रेट, ठीक है डन। क्या हुआ? उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया है। अब डॉक्टर सुनील को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये हुई ना बात। अरे आप तो कोमा में थे ना? अरे डॉक्टर देखेंगे तो हमको डांटेंगे। चुपचाप किनारे खड़े हो जाओ। अभिजीत ये युवक खबरी। कविता जी आपका खेल खत्म हो गया है। बहुत देर हो चुकी है ऑफिसर, मरीज भी मरेगा और डॉक्टर सुनील का परिवार भी। अरे हम लोगों को डॉक्टर सुनील का परिवार मिल गया, हम उसे बचा लेंगे समझी। मेरे अलावा एक और खबरी है यहाँ, अगर डॉक्टर सुनील का परिवार बचा तो वो मरीज को गोली मार देगा और डॉक्टर सुनील को वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर। कौन है वो? कौन है वो? तुम बताओगी कौन है वो? पकड़ के रखो इसे, मैं देखता हूँ। दो बॉटल खून का इंतजाम कीजिए जल्दी। है कौन वो खबरी? जो भी है बहुत चालाक है, तभी तो पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो बहुत खतरा हो सकता है। देखते हैं है कौन वो चूहा जो यहाँ छुप के बैठा है। सिस्टर फ्रेश टॉन्ग्स। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, अब यह आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्ट्रेचर का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर मनोज, तू? हाँ मैं, तेरी तलाश थी मुझे। तू है वो चूहा जो यहाँ छुप के बैठा है। खेल खत्म तुम्हारा।
आप लोग घबराइए मत, देखिए हम लोग CID से हैं, हम लोग आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। चलिए चलिए हमारे साथ। तारिका, अभिजीत से कहना कि मिशन कामयाब हो गया, डॉक्टर सुनील का परिवार सुरक्षित है। पापा, पापा, पापा। अनन्या, किशिका। पापा। बेटा तुम ठीक हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कैसे धन्यवाद दूं। आपने मेरी बेटियों मेरी बीवी की जान बचा ली। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन खुद को खतरे में डालकर किसी की जान बचाना ये सिर्फ आप CID वाले ही कर सकते हैं। सच, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गुनहगार को पकड़ने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटते। सर वो जो वो लोग थे, वो बिजनेसमैन जो चाहते थे कि इस गवाह की जान नहीं बचे, उनका क्या हुआ? उन्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी, इतने सारे गुनाह जो किए हैं उन्होंने, उसमें और एक गुनाह, इन प्यारे बच्चों का अपहरण। थैंक यू अंकल।